बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर करण मेहरा को रिसेंटली मुंबई पुलिस ने वाइफ निशा रावल से मारपीट के आरोप में अरेस्ट किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें बेल मिल गई। फिलहाल करण मेहरा बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं और अब उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष सभी के सामने रखा है। एक लीडिंग चैनल से बात करते हुए करण ने अपनी बात रखते हुए कहा, निशा ने खुद अपना सर दीवार में मारा था जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी और उसका इल्जाम उन्होंने करण पर डाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आरोप लगाया था। करण मेहरा ने इस पर भी जवाब दिया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल लीडिंग चैनल से बातचीत में करण ने बताया, ये बहुत दुख की बात है कि शादी के इतने सालों बाद ये सब हो रहा है। हम पिछले एक महीने से इस बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमारे बीच लंबे टाइम से चीजें ठीक नहीं चल रही थी। हम सोच रहे थे कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। निशा के भाई रोहित सेठिया भी इसी सिलसिले में घर आए हुए थे। बाद में उन्होंने एल्यूमनी की रकम के बारे में बात की जो बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा इतने पैसे दे पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कल रात भी हम लोगों के बीच इसी बारे में बात हो रही थी। वो कल रात करीब को 10 बजे हमारे घर आए थे। जब मैंने उनसे कहा कि इतनी रकम दे पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि फिर हम लोगों को लीगल जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में आ गया और फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तभी निशा कमरे में आई और गालियां देने लगी। उसने मेरे माँ बाप को और भाई को गालियां दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर थूका और धमकी दी कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। इसके बाद वो बाहर आ गई और अपना सर दीवार में मार लिया और सबको कहा मैंने उसके साथ ऐसा किया है। निशा का भाई मेरे पास आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे सीने पर भी। मैंने भाई से कहा कि मैंने निशा को नहीं मारा है, वो कैमरे में चेक कर सकते हैं, लेकिन घर का कैमरा पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद वो वहाँ वीडियो बनाने लगे और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच क्या है। अगर वो लोग झूठा केस दर्ज करवाएंगे तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। इसके अलावा निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि करण उन पर चीट कर रहे हैं और उनका किसी और के साथ अफेयर है। इस बात का जवाब देते हुए करण मेहरा ने कहा, ये सभी आरोप अब लगने सामान्य हैं। मुझे कई और लोगों के साथ भी जोड़ा जाएगा, ये स्टोरीज बेसलेस हैं। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है और मेरा कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं है। वेल, इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप करण मेहरा के स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।